हाँ, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग ये जो पेंडेंट है इसको बनाएंगे, और जो ये जो रिपिंग है इधर इधर दो तरफ में, तो अभी हम लोग उसको बनाएंगे अच्छे से। तो अच्छे से देखे, लास्ट तक बने रहे, अच्छे से देखे, अच्छे से सीखे, ठीक है। मैं बहुत इजी प्रोसेस में बनाऊँगा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, फर्स्ट हम लोग ये जो काम है इसको हम लोग अलाइन करेंगे, ये जो सेंटर का डायमंड है उसके हिसाब से। तो हम लोग सपोज़ हम लोग इसका जो डायमंड साइज है 5 में, इसका जो सेंटर का डायमंड है उसको हम लोग 5 mm के हिसाब से बनाएंगे। ओके, इसका जो पूरा लेंथ आएगा इसका सेंटर के डायमंड के हिसाब से, और ये जो प्लेट में भी जो डायमंड है उसके हिसाब से। ओके, तभी हम लोग इसका एक सेंटर से 5 mm का सर्कल लेंगे इधर से। मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, ये हमारा 5 mm का सर्कल। ओके, तो अभी हम लोग को काम को स्केल करके छोटा करना पड़ेगा। इसके लिए सिलेक्ट करके ट्रांसफर पे जाएंगे, फिर स्केल पे जाएंगे, फिर 3D स्केल पे जाएंगे, फिर इसके एंड पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके छोटा करेंगे, ठीक है। ऐसा करके डायमंड का जो आउटर है उसके थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देखेंगे कि सर्कल के बराबर आ रहा है कि नहीं। ओके, तो अभी हम लोग का ये जो सर्कल है वो 5 mm का डायमंड के हिसाब से पूरा गया। वो साइड का डायमंड भी हम लोग देख लेते हैं कितना है अभी। तो साइड का भी ऐसे करके सर्कल लेके 1.45 या 1.4 का भी बैठ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको सेंटर में, पूरा काम को सेंटर में लाएंगे। कैसे, इसे ऊपर में जाएंगे, यूटिलाइज पे जाएंगे, देन ये जो फर्स्ट लाइन में लास्ट ऑप्शन है सेंटर ऑब्जेक्ट, इसको प्रेस करेंगे तो सेंटर ऐसा आएगा। फिर इसको ग्रीन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो पूरा काम ऐसे पूरा सेंटर में आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग ये जो काम है इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे गमल पकड़ के, देन इसको कलर देंगे लेयर पे, नीचे वाला मेटल फोर पे कलर देंगे, देन इसको थोड़ा सा इसका ये जो लाइट है इसका कम करेंगे। भी इसके लिए हम लोग जाएंगे पैनल पे, डिस्प्ले मोड पे, देन ये जो प्रॉपर्टीज है इस पर जाएंगे, फिर सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ी इधर इधर जो है ट्रांसपेरेंसी थोड़ा इसको ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। इसका जो ओपेसिटी है ये कम हो जाएगा, फिर आउटर को जो ग्राफ दिखेगा लाइट कम हो जाएगा। ओके, देन इसको कलर पर लॉक कर देते हैं। ओके, अभी हम लोग एक बार मेज़र कर लेते हैं इतना कितना है अभी, और 20.99 mm। ओके, तो अभी हम लोग इसका 2D बनाएंगे। तो 20 से एक लाइन लेते हैं बोथ साइड का सेंटर के लिए। ओके, देन इंटरपोलेट काट लेंगे इधर, फिर इसका 2D बनाएंगे अच्छे से। फिर पॉइंट ऑन करके थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इधर इसको ऑफ कर देते हैं उस नब को। तो हम लोग पहले काम का 2D अच्छे से बना लेंगे, जो भी काम करेंगे उसका 2D जितना अच्छा होगा काम भी उतना अच्छा ही दिखेगा। 2D खराब होगा तो काम भी खराब हो जाएगा। मैं हर काम में बोलता हूँ, इसलिए आप लोग 2D पे फोकस करना। मैं आगे पूरा काम का 2D बना लेता हूँ। ओके, ये जो डांट है इधर से मैं अभी आउटर का जो है वो पूरा कर रहा हूँ। फिर पॉइंट ऑन करके
थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेंगे। रिवील कर लेंगे और एक बार ये थोड़ा कम पॉइंट से रिवील करते हैं, फिर पॉइंट ऑन करके इसको थोड़ा अंदर ले लेते हैं, ज़्यादा बाहर चला गया। तो हमारा जो टूडियो पूरा हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका जो डीपिंग का कार्व होगा वो बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे उसको, तो इधर से इसको हम लोग ऐसे करके इसको हम लोग पूरा मेन कप कर देंगे। तो मैं इसको काट दूंगा बाद में, देखना। तो इसका पूरा इधर से इसको इधर लास्ट तक लाए, ओके। और इसको भी मैं इधर से जिधर ये दिख रहा है ऊपर तक, उसके ऊपर से अगर ऐसे करके लाएंगे, ओके। तो हम लोग पूरा इसका जो रिपिंग का कार्व होगा उसके ऊपर से हम लोग ड्राइंग करेंगे। जिस तरह का भी रिपिंग होगा ऐसे करके हम लोग को पहले ड्राइंग कर लेना है, ओके। तो आप देख सकते हैं इसका जो रिपिंग के ऊपर से कार्व था हम लोग ड्राइंग कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, देन तो मैं कार्व को सेंटर का कार्व को कलर देके लॉक कर लेता हूँ रेड कलर से, और इमेज को थोड़ा हाइड कर लेता हूँ, ग्राफ को हाइड कर देता हूँ F7 से, ओके। तो अभी हम लोग इसका जो सर इस कार्ड को हम लोग इधर से दो कार्ड देके ज्वाइन कर लेंगे इसको भी। ये वाला जो कार्व है इसके साथ मैं भी रिपिंग का कार्व को हाइड कर रहा हूँ, समझने में अच्छा होगा आपका हम लोग को, ठीक है। मैं अभी इस पार्ट को करता हूँ, बाकी पार्ट को एक कलर देता हूँ फिर हाइड कर देता हूँ, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको भी हाइड कर देता हूँ अभी, ओके। रिपिंग का कार्व को मैं हाइड करता हूँ, तो ये चारों कार्ड को सिलेक्ट करके इधर हम लोग सरफेस पे जाएंगे। सरफेस पे जाके स्वीप टूल करके इसको पूरा सरफेस कर देंगे, ठीक है। एड स्लैश करके अच्छे से इसका, ओके, फिर पूरा कार्ड को डिलीट कर देंगे। फिर इसको गम्बल पकड़ के माइनस कार्ड को रखेंगे, कार्ड को डिलीट नहीं करेंगे। फिर ये जो सरफेस होगा सरफेस को हम लोग गम्बल को सिलेक्ट करके, नहीं तो इसको ऑफसेट कर देंगे 1.2। अब जितना सॉलिड रखना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं, 1.2 में दे रहा हूँ। तो मैं अभी दे के ऊपर का सरफेस को डिलीट कर दिया, ओके। ऊपर का कार्व है अभी, बस इसको हम लोग एक कलर दे देंगे फिर इसको हाइड कर देंगे। नीचे का सरफेस हो गया हमारा, ओके। अभी इसका जो रिपिंग का सरफेस है, अभी क्या करेंगे इसको, इसको अभी हम लोग ये जो कार्व है इसको पॉइंट ऑन करेंगे, ओके। इस कार्व से हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करके अलग कर लेंगे, ओके। फिर स्प्लिट कर लिया मैंने, फिर इसको पॉइंट ऑन करेंगे, रिवील कर लेंगे कम पॉइंट से, 6.5 पॉइंट से मैंने रिवील कर लिया। देन इसका पॉइंट ऑन करके इसका लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके -0.6, ओके। फिर इसको डाउन कर लेंगे,
से करके। पूरा कार्ब को हमारा ये कार्ब होगा, इसको क्लिपिंग का जो कार्ब है इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, बस साइड को नहीं, बीच का जो पॉइंट होगा फिर इसको इधर से एंड पे ले लेंगे। ओके ऐसा करके फिर ये जो स्प्लिट किए थे इस कर्व को और इस कर्व को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे एक बार। ओके फिर ज्वाइन करके रिवील करेंगे ज़्यादा पॉइंट से। थोड़ा सा बस स्मूथ करना है ठीक। फिर इस पॉइंट का कार्ब को पॉइंट ऑन करके प्लेट पे टच कर देंगे ऐसा। इस पॉइंट को भी ये जो इधर इंटरसेक्शन हो रहा है अंदर से जा रहा है इसको हम लोग इसको इस कार्ब से स्प्लिट कर देंगे। नहीं तो स्प्लिट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, फिर इधर से इंटरसेक्शन पे क्लिक करके ये जो बाकी का एक्स्ट्रा कलर है इसको डिलीट कर देंगे। ओके अभी साइड का जो कर्व है उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। इसे करके आप लोग इसका हाइट भी बढ़ा सकते हो इसका, और इसको भी डाउन कर सकते हो बिकॉज इसका जो रिपिंग होगा दोनों तरफ से होगा, इस साइड भी स्लैंग होगा, इस साइड पे भी स्लैंग होगा। ओके तो मैंने थोड़ा सा डाउन कर लिया, पॉइंट कम लेके कार में, नहीं तो ज़्यादा पॉइंट होगा तो कर नहीं पाएंगे। बस थोड़ा सा कर लेना ऐसे। ओके तो मैंने इसके साथ इसको ज्वाइन किया, फिर इसको 0.6 डाउन करके इधर जो कार्ब लेके इस प्लेट पे टच कर दिया। ओके फिर अभी इस साइड पे भी इसका एंड से इसका जो प्लेट होगा इधर टच कर देंगे। अभी क्या करेंगे, अभी इस कार्ब से स्प्लिट कर देंगे। तो इसको अलग कर दिया, ये कार्ब भी, और इसको हम लोग स्वीप टूल करके सरफेस कर लेंगे। एड स्लैश करेंगे, मैं थोड़ा इसको डोम देता हूँ, इसके लिए इसको पॉइंट को रिवील करके चार पॉइंट से थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इसके थोड़ा सा डोम आ जाएगा। फिर एक बार रिवील कर लेता हूँ, देन स्वीप टू रेल ऑप्शन लेके फर्स्ट कप सेकंड कप सेक्शन लेंगे और इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके इसे जो सर्विस हमारा बन गया। ओके अभी हम लोग ये जो कार्ब है इसको इस कार्ब से स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट लेंगे फिर इस कार्ब को लेके काट देंगे इधर से, और ये जो कार्ब इधर से काटा था इसको इससे जोड़ देंगे फिर ज्वाइन कर लेंगे। दोनों को एक साथ कर लिया, फिर एक कार्ब लेंगे इधर से इधर तक, फिर एक कार्ब इस कार्ब को एंड नीचे का कार्ब को स्वीप टूल करके सर्विस करेंगे इससे करके। ओके ये जो हमारा स्लैंग है ऐसा आएगा। ओके तो अभी ये जो कार्व है
इसका कॉपी करेंगे, एंड को नीचे तक, नीचे जो एंड है इसको इधर टच कर देंगे। ओके, फिर जो कार्व है ये दोनों कार्व को इस साइड का कार्व से स्वीप टू रेल करेंगे फिर से। फिर एक स्वीप टू रेल करके सरफेस बना देंगे इसका पूरा लेवल से, और इसको भी स्प्लिट करके इस कार्व से कॉपी करके स्कार्प में लॉफ्ट कर देता हूँ, लॉफ्ट से भी हो जाएगा। तो ऐसा करके हो गया। फिर इसको पूरा ज्वाइन कर लेंगे एक बार। ऐसा आएगा। ओके, फिर हम लोग जो नीचे का सरफेस बनाया था पहले इसको ओपन करेंगे। हाइट था ये जो नीचे का सरफेस है, पहले सब कर्व को डिलीट कर देंगे। मैं जो रिबिंग बना रहा हूँ पूरा एक एक ही सॉलिड रहेगा, उसका कोई अलग नहीं रहेगा। बहुत लोग अलग अलग पार्ट करते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, ठीक है। मैं बस सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको अलग भी कर सकते हैं, बस जो फिनिशिंग में बस ऐसा ही दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करेंगे तो काम अच्छा दिखेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका यही है रिपिंग का सिंपल प्रोसेस। तो आप लोग भी दूसरा कोई प्रोसेस होगा तो मुझे बोल सकते हैं कमेंट करके, ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग इसका कलर चेंज करके मेक डुप्लीकेट एज लेता हूँ, दोनों ऊपर का एंड नीचे का। ओके, इसका भी ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर साइड को क्लोज कर देता हूँ। फिर स्वीप टू रेल लेंगे, स्वीप टू रेल सरफेस, स्वीप टू रेल से जो सरफेस बनता है वो बहुत अच्छा होता है सरफेस, ठीक है। इधर टूटा है शायद, इधर कुछ प्रॉब्लम है। इधर मैं स्प्लोट करके इसको देखता हूँ, ज्वाइन नहीं है शायद। तो हम लोग ठीक कर लिए, जो कार्ड था ज्वाइन नहीं था उधर। तो इसको सिलेक्ट करके पूरा स्वीप टू रेल करेंगे। ओके, तो ऐसे करके इस साइड भी करेंगे, डुप्लीकेट एज लेंगे। ज्वाइन कर लेंगे इधर से, फिर इस कार्ब को क्लोज कर देंगे। फिर पूरा कार्ब को सिलेक्ट करके स्वीप टू रेल लेंगे। फिर पूरा को ज्वाइन कर देंगे एक बार सिलेक्ट करके। तो अभी डुप्लीकेट एज लेंगे पूरा बॉर्डर का, फिर स्वीप टू रेल करके पैच कर देंगे। पैच नहीं होगा फिर स्वीप टू रेल करना पड़ेगा। इधर स्वीप टू रेल लेंगे ऑप्शन फर्स्ट का, सेकंड का इधर अलग है, इसके लिए डुप्लीकेट एज ही चाहिए। ओके, इसको ज्वाइन कर लेंगे। अभी लेंगे स्वीप टू रेल फर्स्ट कप सेकंड कप, फर्स्ट कप चारों कप को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन स्वीप टू रेल करते हैं। जॉइंट हो गया, इसको भी स्वीप
शिफ्ट टू एल करके ज्वाइन कर देंगे, फिर पूरा काम को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लेंगे। ओके, नेकेड है कि चेक कर लेंगे, एनालिसिस पे जाएंगे, फिर नेकेड टूल्स पे, सो नेकेज, नो नेकेज एंड नो मॉडिफाइड नॉन मॉडिफाइड नेकेज एजेस। ओके, तो अभी हम लोग इसका पूरा कार्ड को डिलीट कर देंगे, फिर इसको प्लास्टिक करके देखते हैं कैसे हुआ है। ये जो रिपिंग है, अब बोलिए ये जो पार्ट है इसको और भी डोम दे सकते हैं इधर से कार्ड लेके। तो ऐसा करके पूरा जो रिपिंग है हमारा नीचे का भी फ्लैट रहे, ऐसे करके बलम बना सकते हो। कि बहुत इजी प्रोसेस है, तो मैंने बस रिपिंग के लिए ये दिखाया, आप लोग ट्राई कीजिए इसे। ठीक है, इस साइड पे भी पिक्चर को शो करते हैं, मैं थोड़ा सा पिक्चर को हाइड करता हूँ। ये जो है स्नैप, इसको आप लोग और भी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, इसका जो ज़्यादा इधर तक है, इस साइड से भी ये जो कर्व होगा तब लोग ऐसे करके बना सकते हैं। ओके, तो मैं अभी इस साइड का जो कार्व है इसको लेता हूँ, ये भी मैं दिखाता हूँ। ओके, पिक्चर को हाइड कर देता हूँ, मैं पहले इसको बना लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको मैं लॉक कर दूंगा, फिर पॉइंट्स ऑन कर दूंगा, फिर दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके ए सी एल सिलेक्ट यू, ये जो सिलेक्ट यू है इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट यू नहीं ए सी एल वी, सिलेक्ट वी को सिलेक्ट करेंगे, ये जो पूरा वी डायरेक्शन पे जो पॉइंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर गम्बेल को थोड़ा सा ऐसा करके खाल दे देंगे इसको, ये जो नॉर्मल डोम देने का बस ऐसे करके हो जाएगा। आप लोग पॉइंट्स को भी लेके थोड़ा बहुत काम करना सीखे। ठीक है, ऐसे करके बस दे देना है, और इसको एक्सट्रूड सरफेस करके -0.8 नीचे तक ले लेना है। ओके, थोड़ा ज़्यादा लेंगे, फिर इधर जो बहुत पतला हो रहा है इसके लिए हम लोग इसको 0.8 एक टॉप से कार्ब लेके गम्बेल -0.8 थोड़ा सा और करके इसको वायर कट से काट लेंगे। ओके, आप लोग वायर कट ऑप्शन भी यूज़ करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसे करके फ्लैट कर लेंगे। नहीं तो इधर जो पतला हुआ था वो जब कैम करेंगे हम लोग ये पीस आएगा नहीं इधर से, फिर इधर से थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग जब काम कैम करेंगे काम का आप लोग इसको समझ में आ जाएगा, मैं करता हूँ डेली तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। ओके, तो अभी हम लोग इसको भी कलर दे के लॉक कर देते हैं, ये डाउन में रहेगा। डाउन से थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसके लिए इसको हाइट कर देता हूँ बाकी सबको। मैं एक आइसो कप लेता हूँ इसको ऊपर से, फिर ट्रैगल करके टी से और कीबोर्ड से टी इधर से भी ट्रैगल कर सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है आइसो कप का ये चेंज हो जाएगा। फिर इधर इंटरसेक्शन पे लेंगे, फिर ये कार्ब को हम लोग रिवील करेंगे 6 पॉइंट से, देन कार्ब को हम लोग एडिट करेंगे, पीस को हम लोग बॉक्स एडिट करें हैं, अभी कार्ब को एडिट करेंगे। ट्रांसफर पे जाएंगे, केज एडिट पे जाएंगे, क्रिएट एडिट, ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स नहीं लेंगे, बस इस कार्ब को लेंगे, एक बार सिलेक्ट करेंगे सी, देखो ऐसे करके हम लोग पूरा आ जाएगा, कुछ करना कुछ नहीं है। ये जो दो पॉइंट्स को लेकर हम लोग ऊपर लेंगे तो ये जो कार्ब है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर आ जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लेना है ऐसा करके। ठीक है, फिर सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे ऐसा करके। हम लोग और भी इसका जो नेचर है वो भी अच्छे से दे सकते हैं, मैं बस नॉर्मली ये जो रिपिंग पीस था वो दिखाने के लिए बस ये वीडियो कर रहा हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आए, बस ऐसा करके आप लोग देख सकते हैं।
ये जो पीस होगा। अब लोग इसको थोड़ा सा और भी डोम दे सकते हैं इसका लेवल से, इधर थोड़ा दब गया लग रहा है, ठीक है। और इस कार को भी थोड़ा ऊपर ले लेके करके अच्छे से बना सकते हैं। ओके, मैं बस आइडिया दिया हूँ, अब लोग इससे भी अच्छा कर सकते हैं टाइम देके, ठीक है। तो आज के वीडियो इतने तक, तो मैंने बस ये रिपिंग को दिखाने के लिए किया। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू एवरी वन।